हमारी वर्षा दीदी जो है वो रंगोली बना रही हैं। और दूसरा इसका क्या नाम है? सोनू। हाँ, उनका वर्षा दीदी है। राधिका सोम। राधिका सोम। और ये कौन है? मैं। हाँ, मैं प्रिंस। प्रिंस। और ये कौन है? सोनू। सोनू। सोनू आज हमारे रंगोली बना रहे हैं भाई, एलके शर्मा सर के सानिध्य में। और ये हमारे बच्चे झंडे की तैयारी चल रही है, हमारी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। ये राशि हैं और कीर्ति। कीर्ति। और ये कौन है भाई हमारा? रितेश। देखिए कितने सुंदर तैयारी। वाइट छिप गया, वाइट छिप रहा है। 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। सजावट विद्यालय में चल रही है। अब ये ऊपर चढ़ के कौन ठीक करेगा इसको? सीढ़ी लानी पड़ेगी। बेटा म्यूजिक स्टार्ट करो बेटा। बैंड आई प्रजावाण की पूरी परंपरा संपन्न होते हुए राष्ट्रगान शुरू कर उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे, मन से करेंगे। हर तिरंगा, हर तिरंगा। जय हिंद, जय हिंद। Thank you.
माता की। जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, आपको सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वैसे तो मैं आता हूं, कार्यक्रम देख के भी जाता हूं, नवोदय में हर साल आता हूं, लेकिन इस बार चूंकि स्कूलों का ज्यादा प्रेशर है, बहुत स्कूलों में जाना है, सभी जगह बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं बहुत बधाई देता हूं यहां के प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ को कि आप लोग नवोदय में हमेशा अद्भुत तरीके से, वैसे तो आजादी का जश्न आप अद्भुत तरीके से हमेशा ही मनाते हैं, लेकिन इस बार पूरे देश में एक अलग माहौल। मैं अभी रास्ते में आ रहा हूं तो देख रहे हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं देखा, हर गाड़ी पे तिरंगा है, हर गाड़ी पे तिरंगा, लोगों ने तिरंगा पहन रखा है, ओढ़ रखा है, मतलब इस तरीके का उत्सव कभी नहीं देखा। मैं बहुत बहुत बधाई पूरे देश के और आप सब बच्चों को देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और माफी चाहूंगा आप सबसे, वैसे मैं हर साल एक बार बताता हूं बच्चों को, हर साल बताता हूं, क्योंकि नए बच्चे आते हैं हर साल, तो इसलिए बताता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, इतने अच्छे विद्यालय में आपको शिक्षा मिल रही है, आप सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे टीचर्स के साथ, इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ आपको यहां शिक्षा मिल रही है। मैं भी चाहता था कि यहां मुझे एडमिशन मेरा हो, नजदीकी गांव था, लेकिन जिस दिन एग्जाम था हमारे गांव से आने के लिए कोई रास्ता, को बताए रखना ये बात, हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी सिरानों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना, कफन चाहिए तिरंगा कफन चाहिए। विद्यालय के कप्तान है उमेश पाटी, of our country. We need to ask those persons who born before 1947 to know the pangs of the anguish of being enslaved so many years under colonial rule. For every Indian in those days, it was Indian. And pleasant morning to this beautiful rainbow gathering present here. Today, I, Akshita Sharma, and I, Shani Vaislav, are here from 9th standard. Thank you.
Thank you.